हम लोग उस गुप्त ऑपरेशन के लिए बैग और डॉलर्स के साथ तैयार थे। जैसे ही मैं पार्किंग के लॉट में आया कि अचानक से वो चोर हमारे सामने आ गए, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। देखिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप रिपोर्ट बाद में सबमिट कर सकते हैं। ओके, नो, कोई बात नहीं बॉस। मैं वो एरिया चेक करने गया जब नॉर्कस ने हम पर हमला किया और फिर उसने गोली चलाई और हैरी को मार डाला। वो कितने लोग थे? तीन लोग थे। मैंने एक को मार डाला जो ग्राउंड फ्लोर पर था, और दूसरा रैम के रास्ते छत की तरफ भागा, और तीसरी एक लड़की थी जो बैग और पैसे लेकर भाग गई। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सीधे घर जाओ। जी सर। बढ़िया, आराम करो, रिपोर्ट कल भी सबमिट कर सकते हो। ओके ओके यस, मैं हैरी की फैमिली को यह खबर दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, एक और बात। अच्छा, वो जो बैग हैरिसन के पास था, उसके अंदर एक छोटा सा वीडियो कैमरा लगा हुआ था, उस बैग के अंदर। क्या? और उस वीडियो से हम उन चोरों को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, तुम्हारी समझ में आया ना? ठीक है, बैग इधर दो। देखो, ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। क्या बकवास कर रहे हो? अब ये बात मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है बॉस, बहुत बढ़िया, सच में हमारे लिए अच्छा है। जरा इसके नीचे देख, देख ना। ये तुम्हें कहां से मिला? खरीदा है, फर्चने ला कर दिया। मैंने उसे अपनी सारी सेविंग्स दे दी, पता है? तू अब अपने प्यार से तो बात कर सकती है। और अपनी बेटी से भी, वो दोनों इस वक्त साथ होंगे, और उसने डायरी भी पढ़ ली होगी। मैं सिम डालती हूँ। हाँ, ऑन कर, मैं नजर रखती हूँ। ध्यान से। क्या खबर है? कुछ नहीं, मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई है। ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। शायद पेट्रिशस उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। सही कह रहा हूँ ना? मैं जहाँ गया था वो उस अपार्टमेंट की ओनर थी। हाँ, वही जूलियन की इकलौती दोस्त, वही थी। हमें उसका पीछा करना चाहिए था। जूलियन बहुत दूर चला गया होगा, वैसे भी जेल से भागने के बाद आदमी उस जगह से कई किलोमीटर दूर चला जाता है। अगर मैं जेल तोड़ता तो मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करता। बिल्कुल नहीं, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने बेटे से मिल ना ले। उसका बेटा भी है क्या? सैमुअल, वो हमारा टारगेट है। अगर वो खतरे में आ गया तो जूलियन उससे मिलने जरूर आएगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, वो सैमुअल से मिलने के लिए जरूर बाहर आएगा। वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि अपने आप को पकड़वाने के लिए खुद जाल में फंस जाए। देखो, उसे इस बात का पता है कि इस वक्त सैमुअल सेफ है। अगर सैमुअल खतरे में होगा तो जूलियन जरूर बाहर आएगा। तो उस बच्चे को हमें मारना पड़ेगा? नो, बस किडनैपिंग का नाटक करेंगे हम। जैसे उसे मालूम चलेगा वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। वो सैमुअल से बहुत प्यार करता है। तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं खुद अपने घर पर जा सकती हूँ। मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
तुम्हारा एस्परेंजा के साथ क्या रिश्ता? तुम्हारी माँ के साथ। मेरी आंट रेचल मेरी माँ है, वही है जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने बताया। अच्छा, और क्या उसने ये भी बताया कि उसने मेरे पापा को मार डाला, इसलिए मैं आंटी के साथ रहती हूँ? मैंने कहा था ना, उसने मुझे सब कुछ बताया और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, तुम उसके झूठ पर यकीन कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम उसे कहाँ मिले? वो 11 सालों से जेल में है। मैं यहाँ तुम्हें किसी बात पर यकीन दिलाने नहीं आया, मैं तुम्हें सिर्फ ये देना चाहता था। ये एक डायरी है जिसे तुम्हारी मॉम ने जेल में खुद लिखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आह, तुम्हें लगता है कि मैं रो पड़ूंगी? अपनी टांगे खोलो। तो क्या अब हर घंटे तुम हमारी तलाशी लोगी? तुम इस तरह मुझे छू नहीं सकती हो। कम से कम इसके लिए तुम हमें लंच के लिए इनवाइट तो करो। अभी तक तुम्हें सबक नहीं मिला ना? अगर एक शब्द अब और कहा ना तो क्या अब और सजा चाहिए तुम्हें? नहीं। चलो चलो, जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है, चलो यहाँ से। तुम जानती हो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं बहुत अन्याय नहीं सह कर सकती। देखो तुम हटो, ये गलत है, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। चुप करो, चुप करो। क्या तुम ये सच में जानना चाहती हो कि गलत क्या है? चलो एस्परांजा। नहीं नहीं, चलो चलो, ले जा रही हूँ, चलो चलो। देखो सुनो, मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। चलो चलो, तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। भला मैं क्या सोच सकती हूँ? तुमने भागने के लिए प्लंबर का इस्तेमाल किया पर देखो ना, आप सब कुछ उल्टा हो गया है। मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं जूलियन से बहुत प्यार करती हूँ। वो जैसा है वैसा उसे पसंद करती हूँ और चाहती भी हूँ। मेरे दिल में उसके लिए बहुत कुछ है। पर वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैं ही भागने में कामयाब नहीं हुई। अब मुझे चरवाहे की कहानी सुनाओ। तुम्हारी जो मर्जी हो सोचो, मैं जानती हूँ कि वो किसके साथ है। अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम उसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाओगी। मैं उसे दोबारा जरूर मिलूंगी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं उससे जरूर मिलूंगी। पहले मेरे पास जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, पर अब उसने मेरे दिल में एक उम्मीद जगा दी है। मैं फिर से कहती हूँ लेफ्टिनेंट, मुझे जूलियन के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ महीने पहले ही उससे रिश्ता तोड़ दिया, उसके बाद उसे देखा तक नहीं। पिछले 24 घंटे में उसने अपने बेटे से मिलने या बात करने की कोशिश की? अब हमने वो घर भी छोड़ दिया है और हमारा फोन नंबर भी बदल गया है, तो हमें कॉन्टेक्ट करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं। पेट्रिशिया से कुछ बात हुई क्या? पेट्रिशिया रोडिगो से शायद कुछ मालूम चल सके? आपका मतलब जूलियाना के लॉयर? हाँ, हो सकता है। वो सिर्फ लॉयर नहीं है बल्कि उसे इस बात का विश्वास है कि वो बेगुनाह है। ये मेरा नंबर है, आपको कुछ भी पता चले चाहे वो कोई भी बात हो हमें बताइएगा। और एक बात याद रखिएगा, कैदी को बचाने के लिए कुछ भी छुपाना भी एक जुर्म है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया लेफ्टिनेंट, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। तुम मुझे बताओगी कि वो आदमी कौन था? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ए, रुक जाओ, मत मारो उसे। जॉनी छोड़ो मुझे। उस बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं थे बल्कि उसमें कैमरा भी था जिसके अंदर हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है। मैंने जो हैरी का मर्डर किया वो भी, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम सब मरेंगे। कहाँ है वो कैमरा? मुझे नहीं पता। अगर इस लड़के को कुछ नहीं पता तो इसे जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं, इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। तुम इसे गोली छोड़ा दो। बोल कहाँ पर है? आखिरी बार कह रहा हूँ, जल्दी बता, जल्दी। सुनो सुनो, बोल। ये कुछ कहना चाहता है। रुक जा रुक जा रुक जा जॉनी, शांत हो जा। परेशान कर दिया इसने मुझे, प्लीज। अच्छा बताओ बताओ, क्या जानते हो? क्या जानते हो बताओ?
मुझे पता है वह कहां पर है। मुझे मत मारो। इसे पता है वो कहां है, फिर भी इसने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कपड़ा भीगा कर। हाँ देता हूँ। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों की हम पर नजर है। हमारे पास ना मोबाइल है और ना ही सिम कार्ड है। मैंने तलाशी से पहले ही सिम बाहर निकाल लिया था। तो तुझे उसे निकल जाना चाहिए। देख मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है सब्जी। तुम्हारी मैंने सिम निकाल लिया है, अब हम नहीं फंस सकते। तू टेंशन मत ले। हाँ ठीक है। जूलियन मुझे फोन कर रहा होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, कुछ तो कर। अच्छा ठीक है, चुप कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लॉक कर दूंगी। अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है, पर मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे पता है कि रीटा ने फोन कहाँ रखा है। यहीं रुको। ऊपर वाले कमरे के ड्रॉअर में है। चलो तो मुझे क्या करना होगा बताती हूँ। मैंने तुम्हें फंसाया, मैं ही बाहर निकालूंगी। ऐसा नहीं है, मैं अब जूलियन की लॉयर नहीं हूँ। पिछले कुछ महीनों से मेरा जेल में जाना बहुत कम हो गया है। आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आपको उसके भागने की खबर कैसे मिली? न्यूज से, जैसे सभी को मिलती है। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए सबसे पहले वो आपको ही कॉन्टेक्ट करेगा। प्लीज फोन उठाइए। हेलो। हाय पैटी। हाँ बोल रही हूँ। क्या तुम सुन रही हो? नहीं, मुझे दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, शुक्रिया। प्लीज आइंदा फोन मत करना, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं फोन रख रही हूँ। तुमने वो सिम फेंक क्यों दिया? तो खराब है, चलो। ये मेरा कार्ड, अगर वो फोन करे या आपसे मिलने की कोशिश करे तो मुझे कॉल कीजिएगा। या श्योर। चाय के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। चलो। चलो जल्दी चलो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जल्दी करो। क्या हुआ? एस्परांजा। कोई मेरी मदद करो। एस्परांजा क्या हुआ? प्लीज यहां देखो, इसे क्या हो गया है? उठाओ, आंखें खोलो। एस्परांजा प्लीज आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो एस्परांजा। इसे उठाने में मेरी मदद करो। ठीक है, संभल कर, आराम से। हां, आराम से। ब्रीद एस्परांजा, ब्रीद, रिलैक्स एस्परांजा, रिलैक्स। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं अभी वहाँ जाती हूँ, ठीक है? रिकार्डो तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ देर के लिए सैमी का ख्याल रखोगे, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना होगा। कहाँ जा रही हो, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी एक दोस्त की कार खराब हो गई है और उसने मुझे पिकअप करने के लिए कहा है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं सुनो ना, उसके बच्चे भी उसके साथ है तो जगह कम पड़ जाएगी, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ये क्या कह रहे हो तुम? सैमुअल के स्कूल जा रही हो ना? तुमने मेरा फोन चेक किया नहीं? रिकार्डो जब मैंने तुम्हारा फोन उठाया तो डायल लिस्ट में स्कूल का फोन नंबर दिख रहा था। मुझे एक बात बताओ मारियाना, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये खुद संभाल सकती हूँ। पर कैसे? मुझे नहीं पता रिकार्डो, पता नहीं, पर मुझे तुमसे पैसों को लेकर और कोई बात नहीं करनी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि अब सैमुअल बहुत बड़ा हो चुका है और अगर फीस ना भरी गई तो तुम जानती हो कि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो? मुझे नहीं पता क्या करना है। कुछ मत करो, बस शांत हो जाओ मारियाना, शांत हो जाओ। देखो मारियाना, अगर तुम चाहो तो
मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ, वहाँ पर फीस जमा कर दूंगा और सैमुअल को हम आइसक्रीम भी खिला देंगे। वैसे भी सैमुअल काफी दिनों से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था, तुम्हें पता है ना। सैमुअल, सैमी, तुम आइसक्रीम खाओगे? हाँ। तो फिर जल्दी यहाँ पर आओ। चलो तो फिर चलते हैं। चलो आराम से आइसक्रीम खाओगे ना? चलो बैठो, अंदर बैठो। हेलो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। डॉर, माफ करना, साइड देना। मैम, एस्पेरेंसा रेस्ट कर रही है। डॉर, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे लगा तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में बात करनी। हाँ, पर वो नहीं जो तुम सोच रही हो। आखिरकार तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? चलो हम डील करते हैं। मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करती। मुझसे झूठ मत बोलो रीटा। अगर तुम डील नहीं करती तो एस्पेरेंसा जब टॉर्चर रूम में थी तो तुमने मेरी मदद क्यों की? हाँ, क्योंकि तुम डील्स करती हो। तुम और मैं, हम एक जैसे ही हैं। और तुम एस्पेरेंसा पर ध्यान नहीं देती, पर मैं देती हूँ। देखो, वो पहले से ही बेचारी बहुत परेशान है। तुम ये सब कुछ करके उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ प्लीज। अगर तुम में हिम्मत है तो फैसला कर लो कि तुम मुझ पर ध्यान दोगी या नहीं। बोलो, क्या है तुम्हारा फैसला? मैं बाथरूम में थी, वॉमिटिंग हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ गंदा हो। मिकेला कहाँ? ये सब क्या है? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? शांत, मैं पुलिस हूँ। शांत, प्लीज शांत हो जाइए। क्या तुम यहाँ पर सेफ रहोगी? हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने बदला लेने की ठान रखी है। तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से, सही कह रहा हूँ ना मैं? सच जो उसे लगता है? नहीं, यही सच है। जो कुछ हुआ उसकी वजह थी। इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, इसे ले लो तुम प्लीज। और आप? मैं इस घर की ओनर हूँ। हो, घर की ओनर, माफ कीजिएगा, मैं हॉस्टन। चुप 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 चुप
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम उसे कहां पर मिले? वो इतने सालों से तो जेल में है, मुझे जवाब दो। जेल में ही। क्या वहां काम करते हो? मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे शांति बहुत पसंद है। शांति चाहता हूं और उसी की इज्जत भी करता हूं। रोने वाले लोग मुझे जरा भी पसंद, मुझे वो पसंद है जो शांति की इज्जत करते हैं। इसलिए शांत शांत चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। नीचे झुक जाओ, नीचे नीचे नीचे। ये तो वही आदमी है ना? देखो मेरी बात सुनो, सब कुछ सही रहा। तुम ऐसा करो, जल्दी से उस चोर के घर के अंदर जाओ और उसका इंतजार करो। मुझे पता करना होगा कि मेरी आंटी अंदर है या नहीं। रुको, हिलना मत, हिलना मत। ओ अच्छा, तो वो चाहता है कि मैं रिपोर्ट बनाऊं। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। बस पहुंचने वाले हैं। क्या आइसक्रीम यहीं पर मिलेगी? हाँ सैमी, और मैं तुमको आज दुनिया की सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम खिलाने वाला हूं। ठीक है। कैसी आवाज है? अरे ये तो मोबाइल की आवाज है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, मैंने पहले मोबाइल के बारे में क्यों नहीं सोचा? बेकला, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। चलो चलो यहाँ से। आंटी, कोई अंदर आ रहा है, चलो चलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हम तुम्हारे दोस्त को फोन करने वाले हैं। क्या नाम है उसका? अरे क्या नाम है उसका? मिकेला। मिकेला, और याद रहे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताना। तुम समझ रहे हो ना? नहीं बताओगे ना? नहीं। ठीक है, चलो। रुको रुको रुको, जोकर का फोन है, रुको। और ये मेरा फोन। उसे छोड़ो, हमें जाना होगा। मेरी आंटी। मिकेला, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। सुन रही हो मेरी बात?
चलो मेरे साथ, चलो चलो। हेलो मिकेला। नहीं मैं मिकेला नहीं हूं, मेरे उनसे बात कराओ अभी। वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? हेलो। इसका मतलब कि वो यहीं पर था, क्योंकि ये फोन मुझे यहीं पर मिला है। ठीक है मैं वापस आता हूं। इधर देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो प्रार्थना करो कि कल तुम्हारे दोस्त मिकेला तुम्हें फोन करे और तुम तक पहुंचने की कोशिश करे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगा और उसी जगह पे तुम्हें हमेशा के लिए दफना दूंगा। प्रार्थना करो कि उसका फोन आए। मैंने मोबाइल के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर तो आइसक्रीम नहीं मिलती। सैमी वो क्या है कि मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है, हम उसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है? अरे देखो वहाँ पर गाय है, देखो वहाँ। तुम्हें गाय पसंद है? हाँ। एक काम करते हैं, मैं अपना काम बाद में खत्म कर लूंगा, पहले तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ। गुड बॉय। ये आदमी पागल है क्या? डोर। अंदर चलो और सब लोग सो जाओ, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। डोर। और क्या हुआ, कैसा रहा? ओ नहीं नहीं, मुझे पता था ये काम तुमसे नहीं होगा, पर तूने इतनी जिद की तो मुझे हाँ कहना ही पड़ा यार। क्या है? तू तो बहुत शातिर निकली, ये कैसे किया तूने? कैसे किया? तो बोल कैसा लगा प्लान? ओ मेरा बेबी। हाय मॉम। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, हमने ना गाय देखी। गाय कहाँ? वो क्या है कि मौसम बहुत अच्छा था तो मैं इसे दूसरे रास्ते से लेकर गया, वहाँ पर हमने गाय देखी और फिर मैंने इसे बताया कि आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। मजा आया तुम्हें? हाँ। ठीक है चलो अपने हाथ पैर धो लो, हम डिनर करते हैं। ठीक है। रिकार्डो स्कूल का काम हो गया क्या? काम? हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मारी वो क्या है कि हम डिनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत जरूरी काम से मुझे ऑफिस में जाना है, मैं कुछ फाइलें भूल गया हूँ। मैं जानती हूँ मैं बार बार कह रही हूँ, पर सच में शुक्रिया। कोई बात नहीं मारी। जल्दी मिलता हूँ। सैमी। सुनो हम अभी किडनैपिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं अभी रुको, पैट्रिशिया में जूलियन तक पहुंचाएगी, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? We'll be right back.
ये सारी चीजें मुझे वहां मिकेला के घर में मिली हैं। तुमसे बाद में मिलता हूं। रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलो आ जाओ जल्दी। आ रहा हूं। अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें? हाँ cool, सच में तुमने बहुत अच्छा किया। इस बार का कैसा था? पहले से अच्छा ना? बहुत अच्छा लग रहा ना? बहुत अच्छा है। मजा आ रहा ना? hey! आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? अरे मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ? चलो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। नहीं आया बॉस, उसका फोन अभी तक नहीं आया। उस मरी हुई औरत से मिलने मुर्दा घर कोई नहीं गया क्या? मेरी बात का यकीन कीजिए बॉस, अभी तक उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया है। जॉनी मैंने इन लोगों की प्रोफाइल निकाल ली है। ये ऐसे ही मामूली सा गैंग है, सिर्फ चोरी में पार्टनर्स नहीं बल्कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मतलब कि मिकेला मिलने आएगी या फिर फोन जरूर करेगी? हाँ जॉनी बिल्कुल सही सोचा। किसी चीज के लिए तो तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। बहुत जल्द वो लड़की हमें मिल जाएगी। उम्मीद है कि वो जल्दी मिल जाए क्योंकि इस लड़के की हालत बहुत खराब हो रही है बॉस। जॉनी उस लड़के को मारना बंद करो, तुम उसे मार डालोगे। मुझे वो अच्छी हालत में चाहिए ताकि वो फोन पर बात कर सके जब वो लड़की उसे फोन करे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है बॉस। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस को एक 47 साल की औरत। एक बात बता, वो कंट्री जिसने 2010 का वर्ल्ड कप जीता था, 5 लेटर्स के अनुसार वो बताना जल्दी। स्पेन। अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम तो सब कुछ जानती हो। 18 साल की है। पुलिस की छानबीन जारी है। मृत महिला का नाम है रकेल जराटे। इस औरत को किसी ने क्यों मारा है, कब मारा है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आगे की खबरें सुनते रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ? सुन रखील सराते वही औरत है जिसके साथ मैं अकेला रहती थी, और ये कह रहे हैं कि वो मर चुकी है। नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाहर क्या हो रहा है। मेरी बेटी कहाँ होगी? देखो तुम शांत हो जाओ, यहाँ बैठो, शांत हो जाओ, हम पता करते हैं कि असलियत क्या है। शांत हो जाओ तुम। वो ठीक तो होगी ना? हे मारी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दिन कैसा रहा? अच्छा था, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। खैर वो सब छोड़ो और तुम ये लो, ये सैमी को चाहिए थी। उसे सच में बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। बात क्या है मारी? देखो तुमने आज बहुत बहुत ज्यादा पी ली है, और ये सब कुछ ठीक है ना? रिकार्डो तुमने हम दोनों के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने अपने घर में हमें रहने दिया, हमारी वजह से परेशान हुए, तुमने मेरी और सामी की बहुत मदद की, पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये पैसे तुम्हें कभी भी वापस कर पाऊंगी। लेकिन तुम्हें वापस देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसकी जरूरत नहीं है? तुमने अपनी बीवी को खो दिया, और ये सब जो तुमने मेरे और मेरे बेटे के लिए किया है। मारी जो कुछ भी मैंने किया अपनी खुशी के लिए किया है,
कोई मतलब के लिए नहीं। पर अब ये सब बंद करना होगा। पर क्यों? मैं इस तरह से घर में नहीं बैठ सकती रिकार्डो, मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी। खुद का और अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है मैंने रिकार्डो। जानता हूँ, पर तुम्हें जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, पर कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होगी, मुझे तो अभी ही सही। ये बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हारे साथ हूँ मारी, लेकिन देखो इस वक्त सैमुअल को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है मारी, और तुम ये समझती हो। मुझे लगता है सैमुअल के लिए भी यही ठीक होगा, और मुझे ये सब उसी के लिए तो करना है, और उसका मेरे अलावा है ही कौन, उसके लिए कौन करेगा ये सब, तुम समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ मारी। मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू करती हूँ। हम यहीं रुकेंगे। मैं जोकर को फोन करती हूँ। देखो मुझे फोन करने दो। सारा सोचो, उस आदमी ने तुम्हारी आंटी और तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया? पर मैंने उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। चुप रहो। तुम बेशक ये कहती रहो कि तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता मिकेला। अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो तुम मार दी जाओगी। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है ये। छोड़ो। और मेरी भी। मिकेला तुम ठीक हो? मिकेला, मिकेला बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि 11 साल पहले क्या हुआ था? तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें याद भी नहीं होगा, सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है। क्या तुम वो सच्चाई जानना नहीं चाहती हो मिकेला? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखी है।
इसे पढ़ो, इसमें सारी सच्चाई है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो मेरी माँ नहीं है, वो एक मुजरिम है जिसने मेरे पापा का खून किया है। अगर तुम नहीं जानना चाहती कि क्या हुआ था और स्प्रिंजा ने ऐसा क्यों किया, तो फिर तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें यह डायरी पढ़नी चाहिए। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि क्या सच में तुम उसे जेल में मिले, उसने तुम्हें फंसा लिया है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं उसे जेल में मिला था, हम साथ में समय गुजार चुके हैं। तुम जेल में थे? ये बात मायने नहीं रखती है मिकेला, अभी फिलहाल ये जरूरी है कि तुम इसे पढ़ो कि तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बताना चाहती है, उसके बाद सच और झूठ का फैसला करना। मेरी आंटी का खून हो गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मारा गया है, इस वक्त तो मैं ये डायरी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। आ बैठो, बैठो प्लीज मिकेला, प्लीज। मैं जा रही हूँ। प्लीज प्लीज, एक सेकंड रुको। क्या क्या? मिकेला, जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद दिला दूं, एक पागल आदमी तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है, और यह सब तब शुरू हुआ जब तुमने उसे लूटने का प्लान बनाया। वो जो भी है, पर वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने उसका क्या चुराया है? देखो, अगर तुम मुझे बताओगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं इस मामले में। बिल्कुल नहीं, नहीं, सिर्फ एक सस्ती सी घड़ी है और मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। अगर तुमने कुछ नहीं चुराया तो वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या बिना वजह उसने तुम्हारी आंटी को मारा, तुम्हारे दोस्त को मारा? तुम्हें बताने के लिए मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इन सारी चीजों से मैं तंग आ चुका हूं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुनो, सिर्फ अच्छी बातें सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक होगी, बहादुर होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसे कुछ नहीं होगा। अगर मिकेला ने अपनी आंटी को मरते हुए देखा होगा तो वो कितना घबरा गई होगी ना, और जूलियन ने भी वो नहीं किया। देखो, ऐसे सवालों के बारे में मत सोचो जिनका कोई जवाब होता ही नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो उससे प्रार्थना करो, क्या पता शायद तुम्हारे जूलियन का फोन आ जाए। वही मैं भी कर रही हूँ, पर उसका फोन नहीं आया। देखो, ये इतना आसान नहीं है, वो जेल से भागा है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। मेरे मन में तो यही ख्याल आ रहा है कि मैं काश अपनी बेटी और जूलियन के साथ होती इस वक्त, पर मैं बेवकूफों की तरह यहाँ इस जेल में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, रो मत, सोचना बंद करो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे और मुझे भी पागल कर दोगी। तुम फिलहाल सिर्फ ये सोचो कि न्यूज में जिस रकेल जराटे की बात हो रही है वो तुम्हारी रकेल ना हो। मुझे पता है वो वही है। ओह गॉड,
एक नाम के दो इंसान हो सकते हैं ना? शहर में रकेल जराटे नाम की कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में? शायद तुम सही कह रही हो, ये वो औरत ना हो। कल मैं सुबह सबसे पहले उठकर इस न्यूज के बारे में पता करूंगी कि वो कौन औरत है। चलो अब सो जाते हैं। गुड नाइट। मेरी बेटी इतनी देर तक क्यों जाग रही है? ये वक्त सबके सोने का होता है, पता है ना बेटा? तो सबसे पहले आंखें कौन बंद करेगा बताओ? मिकेला करेगी, है ना? और अच्छे अच्छे सपने देखेगी। गुड नाइट। अगर तुम आर्याना से मिलोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, उसकी हालत बहुत बुरी है। तुम समझ सकते हो कि जुलियाना के जेल जाने के बाद वो बिल्कुल टूट सी गई है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नौकरी देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है कि उसके लिए अच्छा है कि वो जॉब ना करे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम उसके लिए छोटा सा इंटरव्यू अरेंज कर दो। बस इंटरव्यू फेस करने से वो खुश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सारी दवाइयां टाइम पर लेती है, सभी थेरेपीज और पिल्स सब कुछ। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वाइफ को मेरी तरफ से हेलो बोलना। फोन रखता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूं। गुड बाय। मारियाना। ओ रिकार्डो, मुझे माफ करना, मैं ऐसे अंदर आ गया, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। क्या कहना था बताओ ना। मैंने तुम्हारे लिए कल सुबह 8 बजे एक जॉब इंटरव्यू अरेंज किया है। सच कह रहे हो? देखो प्लीज, अब शुक्रिया अदा मत करना मारी। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी की खातिर किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं रिकार्डो? जैसे ही मैं काम करना शुरू कर दूंगी तुम्हारे एहसान का। मारी तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तुमसे कुछ वापस नहीं मांग रहा हूँ, तुम कल की तैयारी करो। अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा। अब सो जाओ। गुड नाइट। शुक्रिया। हम पहुंच गए चैंपियन। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मम्मी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई? क्योंकि वो एक जॉब इंटरव्यू देने गई है, इसलिए नहीं आई। लेकिन देखो मैं आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। जैसे मुझे मेरे पापा लेने आते थे। हाँ बिल्कुल वैसे ही। पर आप मेरे पापा नहीं हैं। नहीं नहीं सैमी, मैं पापा नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे पापा की जगह कभी ले भी नहीं सकता हूँ। चलो एक डील करते हैं सैमी, आज के बाद हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे पापा करते थे। ठीक है। तो फिर चलो आ जाओ, आओ। ग्लैडियस, ये कॉटेज को दे दो प्लीज, थोड़ा जल्दी करना। मरियाना।
हेलो। हाय। कैसी हो तुम? कितने सालों बाद मिल रहे हैं? हाँ, कॉलेज के बाद आज ही मिल रहे हैं। तुम कैसे हो? तुम्हारी फैमिली कैसे है? मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हाँ, अब तो मेरा एक बेटा भी है। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे हैं। और तुम सुनाओ? अच्छा बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे जॉब के लिए रेकमेंड किया है, बस उसी का इंटरव्यू है। वो प्रोडक्ट सुपरवाइजर की जॉब के लिए? हाँ, उसी के लिए। मुझे खुशी है कि तुम भी यहीं काम करती हो। मरियाना, वो पोजीशन तुम्हारे प्रोफाइल के लिए ठीक नहीं है, वो तो कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए है। वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मेरे केबिन में चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको रात में यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ प्लीज? एक मिनट के 1000 पेसोस। एक साथ दे दूंगा, बहुत सारे कॉल करने हैं। चलो कोर्टयार्ड की तरफ चलो। वो बुला रहे हैं, चलो जल्दी चलो। किस लिए? कोर्टयार्ड में जाना है। तुम पूरी रात सोई नहीं ना, जरा अपना चेहरा देखो। मैं पूरी रात आंटी और मिकेला के बारे में सोच रही थी, सो नहीं पाई। क्या है वो? किसका मोबाइल बज रहा है? जल्दी करो। क्या तुम फिर से चाहते हो मैं तलाशी लूं? कम ऑन मैरीबेल, जल्दी करो। वहां बैठकर क्या कर रही हो? जल्दी करो। मैं जूते पहन रही हूँ, एक सेकंड। छुपा उसे। तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र हो रही है? नहीं, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए आऊं, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। चलो चलो जल्दी चलो तुम दोनों। हेलो रिकार्डो, कैसे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि जूलियन जेल से भाग गया है, पर मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, यही जानना चाहते। देखो पैट्रिशिया, मैंने इसलिए फोन नहीं किया है। मैंने तुम्हें फोन किया क्योंकि मुझे मारियाना की बहुत फिक्र है। मारियाना को क्या हुआ है? जब से उसे ये खबर मिली कि जूलियाना जेल से भागा है, वो बहुत बीमार रहने लगी है। पर वो है कहाँ, ताकि मैं जाकर उससे मिल सकूँ? मैं कब से मारियाना को ढूंढ रही थी पर वो मुझे मिली ही नहीं। क्या उसने अपना फोन नंबर भी चेंज कर दिया है? पैट्रिशिया, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। कहाँ? जहाँ हमने कैमिला का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्या तुम वहाँ पर पहुँच सकती हो? हाँ हाँ हाँ, 40 मिनट्स में। तो मैं भी 40 मिनट्स में वहाँ पर पहुँचता हूँ। हाय पैटी, मैं हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि फोन पर इस बारे में बातचीत करना ठीक नहीं है, समझे? मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करना जरूरी है। हाँ पता है। ठीक है, जैसा तय हुआ था वैसे करते हैं, ठीक है?
ठीक है, कितने पेसोस हुए? 2000 पेसोस। ये लीजिए। मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। मुझे यकीन है आपको सामने की शॉप से मिल जाएगी। यहीं छोड़ देता हूँ, बाद में आकर ले लूँगा। ओके, अभी ले जाओ, मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है। जैसी आपकी मर्जी, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम्हारा सीवी तो ठीक है, हम अपने सिरेमिक टाइल फ्लोर लाइन का काम संभालने के लिए सुपरवाइजर ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। इसका मतलब है कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस को फॉलो अप करना, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके। हाँ, पर तुम मेरी बात नहीं समझी। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें iOS सॉफ्टवेयर के बारे में पता है? प्रोसेसेस फॉलो अप, कंट्रोल ऑफ फेलियर्स। मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में तो नहीं पता है एंजेलिका, पर मैं जल्दी ही सीख लूंगी, आई प्रॉमिस। मरियाना, ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, 2-3 महीने लगते हैं और हमारी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें सिखा सके। एंजेलिका, मैं जानती हूँ कि मैंने अपना ज्यादा वक्त घर पर और अपने बेटे को संभालने में लगाया। मैंने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ मुझे सीखना चाहिए था, पर लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी फैसला नहीं है। कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं समझ सकती हूँ एंजेलिका, मेरे लिए वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। बाय, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या तुमने कॉल बैक किया? मैं फोन नहीं कर पाई, उन्होंने अंदर किसी को छोड़ा है। ठीक है, घबराओ मत, वो फिर से कॉल करेगा। फर्चा, सुनो, आज तुम्हें डायरेक्टर का ऑफिस साफ करना है ना? उस काम के लिए तुम्हें मैं पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जब तुम मोबाइल खरीद रही थी तब तुमने कहा कि तुम्हारे पास ये आखिरी सेंस बचे हैं। देखो, मेरे पास पैसे हैं, मैरीबेल से उधार लिए हैं, तुम्हें चाहिए या नहीं वो बताओ। देखो, एक बात सुनो, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है लेडीज। ओह, कितना? बहुत मुश्किल। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं बताओ। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है और तुम तो जानती ही हो मेरे बिजनेस के बारे में, तो अगर तुम मेरे साथ शिफ्ट बदलना चाहती हो तो मुझे घास लाकर दो जो मुझे चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं दिन रात यहीं पड़ी रहती हूँ? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? और इसे किस लिए रखा है? तो जो मुझे चाहिए वो ला कर दो, वरना बात करने का कोई फायदा नहीं है, समझी? मैं जा रही हूँ। अब क्या करूँ? मुझे लगा कि तुम चले गए। लोग चले ही जाते हैं, मुझे आदत हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं कॉल करने गया था। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर? तुम्हें लगता है? जिंदगी ने मुझे सिखाया है किसी पर भरोसा मत करो। और पता है क्या, मैं जोकर को फोन नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इसमें एक खतरा है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? यहीं रुके और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं सकता मिकेला। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। एक सेकेंड रुको, प्लीज 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 प्लीज। जाने से पहले एक बात पूछूं,
ये डायरी तुम अपने साथ ले जा रही हो या नहीं? तुम ये डायरी ले जा रही हो या नहीं? निकेला मेरी बात सुनो, बेशक तुम मुझ पे यकीन ना करो, लेकिन तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान है निकेला। मेरे ख्याल से उसे इतनी खुशी तो मिलनी ही चाहिए कि तुम उसकी बात सुनो, जो कुछ भी वो इस डायरी के जरिए कहना चाहती है, इतना अधिकार तो उसका है ही। देखो, तुम इस डायरी को भाड़ में जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। पास तो रख सकती हो। ठीक है। पक्का? तुम कह रहे हो इसलिए रखती हूँ। और मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। तुम मुझे जानते तक नहीं, फिर भी तुमने मुझे बचाया। अपना ध्यान रखना, दरवाजा बंद कर देना। क्या मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? हाँ, कर लो यहाँ से। फोन पर बात करो और उससे सोच समझ कर बात करना। हेलो, कहाँ हो जोकर? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। मेरा फोन खो गया है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त कहाँ पर हो तुम जोकर? अरे सब कुछ ठीक है यार, पता है ना मुझे छुपना होगा जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। पर तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जहाँ मैं छुपा था वहाँ बहुत ठंड थी, इसीलिए मेरी आवाज नहीं निकल पा रही। अच्छा ठीक है जोकर, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो आदमी बहुत बड़ा खूनी है, उसने मेरी आंटी को मार दिया, और तुमने देखा ना, उसने टॉम की स्किन को भी मार डाला है। पर तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ पर? मैं एक दोस्त के घर पर हूँ, लेकिन अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मिकेला। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ डाउन टाउन हॉल 12th स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू में। किस होटल में? इस होटल का नाम क्या है? पैरिस होटल। मैं यहाँ पेरिस होटल में हूँ, तुम यहाँ पर आओगे क्या? हाँ, आता हूँ, तुम वहीं पे रहना, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ मिकेला। जल्दी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। देखा ना, ये इतना मुश्किल नहीं था। जैसे ही वो हमको मिलेगी तुम आजाद हो जाओगे मिकेला। तुम मेरे इस कॉल के पैसे रूम से ले लेना। पर मैरियाना हमेशा के लिए नहीं छिप सकती, और वैसे भी जूलियन को अपने बेटे से मिलने का हक है। मैंने भी उसे ये कहा था, मगर तुम पैटी को जानती हो ना, गुस्से में वो किसी की भी नहीं सुनती है। हाँ ठीक है, पर फिर उसने तुम्हें फोन क्यों किया था? ये जानने के लिए कि क्या मुझे जूलियन के बारे में कुछ पता है। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और क्या तुम्हें जूलियन के बारे में कुछ खबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता। पर सैमुअल को क्या हुआ है, वो कैसा है? उसकी हालत अच्छी नहीं है। जब से उसने अपने पापा के बारे में टीवी में सुना, वो बहुत परेशान रहता है। ना वो खाता है और ना वो सोता है, बहुत कमजोर हो गया है। पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ खास नहीं। वैसे अगर हम चाहें तो मारियाना को ढूंढने की हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और जूलियाना तुम्हें मिला तो तुम मुझे इस बात की खबर करोगी ना? हाँ पक्का। और तुम मुझे बताना अगर तुम्हें मारियाना के बारे में कुछ पता चले। एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अब ये लीगल इशू काफी बढ़ता ही जा रहा है। खैर बात तो एक ही है कि 20 साल बिना अपने बेटे को देखे जेल के सलाखों के पीछे काटना। सही कहा तुमने, ऐसे हालातों में पता नहीं मैं क्या करता है क्या नहीं करता। और ऐसे वक्त में शायद मैं अपने पुराने दोस्तों को ढूंढता। हाँ शायद उसने ऐसा ही किया हो। शायद।
ऐसा ही क्या? एक ना एक दिन तुम मुझे मुसीबत में फंसा ही दोगी। ये काम बहुत जरूरी है रीटा, पर तुम्हारे लिए नहीं मुझे लगता है। तुम्हें पता है ये मेरे लिए नहीं है, एस्परांजा के लिए है। वो आजकल बहुत परेशान है। हाँ, पर आखिर परेशानी क्या है? कल हमने न्यूज़ सुनी इसके बारे में है। हमने सुना कि रैकेल जराटे का खून हो गया है और हमें ये पता करना है कि मिकेला का क्या हुआ। मेरा मतलब, वो औरत मर गई है तो फिर उस बच्ची का क्या हुआ जो उसके साथ रहा करती थी? मैं इंटरनेट पर देख कर बताती हूँ। सच में? हाँ, तो हमारी डील का क्या? तुम्हें तो पता ही है। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, राकेल जराटे जिसके बारे में हमने न्यूज में सुना, वो मिकेला की आंटी ही है। परेशानी यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक लड़की वहां से गायब है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी बिल्कुल अकेली है। हाँ, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। ओके बेबी, पता है ना कि आगे क्या करना है? मिकेला को तुम पास आने दोगे और उसे जरा भी एहसास नहीं होने दोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। समझ गए? समझ गए ना? और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जा। अरे जानो तू। मुझे लगा कि तुम चली गई होगी। अपने दोस्त से तुम्हारी बात हुई? हाँ, वो ठीक है और वो थोड़ी ही देर में मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को फोन करने वाला हूँ। पता नहीं तुम उनसे बात करोगी या नहीं। मेरी बात सुनो, वो डायरी पढ़ना अलग बात है और एक साथ रहना अलग बात है। सारे फैमिली मेंबर्स का एक साथ एक छत के नीचे प्यार से रहना। धीरे धीरे, तुम जानती हो मिकेला, मुझे यकीन हो गया है कि उस डायरी को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए जगह बन जाएगी। और तुम्हें पता है, मैं बदलती नहीं हूँ। जानती हूँ सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। तुम्हारा मन बदल जाए तो जानती हो ना क्या करना है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कर। स्परिंजा, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। जोकर, मिकेला यहाँ खतरा है। भागो यहाँ से, भागो। तेरी तो मिकेला। हेलो, हेलो, क्या हुआ? जोकर मारा गया, उन्होंने उसे मार दिया। वही पार्किंग लॉट वाला आदमी है, उसी ने मारा है। जल्दी भागो। चुप चुप, शांत शांत। वो यहाँ पर नहीं है बॉस। जॉनी, चलो जल्दी जल्दी। मिकेला वहां नहीं, यहाँ यहाँ इस तरफ।
चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो जब तक हम इस होटल के सभी दरवाजे खोलकर देख नहीं लेते हैं, ठीक है? अब बताओ चाबियां कहाँ हैं? जॉनी, बॉस। चुप। चुप। अब कहाँ जाए? कहाँ जाए यहाँ से? वो मुझे भी मार डालेंगे, मैं जानती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा निकला। प्लीज मेरी बात सुनो। हर हाल में हमें यहाँ से निकलना होगा। प्लीज चलो आ जाओ यहाँ से। कौन है तुम लोग? हिलना मत। बॉस वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है बॉस वो। चुप हो जाओ। कहाँ गए हो? पता नहीं कहां गई। अब क्या करें? शुक्रिया सर। निकेला मुझे दे दो, मैं पकड़ता हूं। लाओ। सर थोड़ा पानी मिल सकता है मुंह धोने के लिए? हाँ, वहां है, ले लो। शुक्रिया। अकेला मैं समझ सकता हूँ, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें यहां से निकलना ही होगा, समझ रही हो? हमें जाकर उस ट्रक में छुपना होगा कैसे भी करके। आओ मेरे साथ, आओ आओ प्लीज। वो उसे जरूर अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह हादसा जब हुआ तब वो वहीं पर था। वो किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट के पास इसका एक्सेस नहीं है और ना ही उसे इन बैंक अकाउंट्स के बारे में कुछ भी पता है।
मैंने इंटरव्यू खत्म करने के बाद तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया नहीं। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, फिर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? सच कहूं तो बहुत बुरा, मुझे सच में लगता है कि मैंने बेवकूफी की। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो मारी, वैसे भी तुमने बहुत पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और इंटरव्यूज में ये सब होता ही रहता है, और वैसे भी तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वो जूलियन है, उसने तुम्हें शादी के बाद नौकरी नहीं करने दी। मुझे अच्छे से याद है कि तुम कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी। मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे जॉब देगा, मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है रिकार्डो। तो फिर तुम क्या हाइड्रोस्फीयर में जॉब करना चाहोगी? मारी, देखो इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक मौके की जरूरत है, तो क्या हुआ अगर दूसरी कंपनी तुम्हारा टैलेंट नहीं देख पा रही है? मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुम काम करना चाहो तो मेरी कंपनी में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तुम करना चाहोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम ये जरूर समझोगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा सपना है कि तुम मुझसे मिलने यहां आओगी। जॉनी, मुझे पता है कि उस लड़की तक कैसे पहुंचना है, उसकी मां के जरिए, एस्परेंजा गोमेस, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। तुम्हारे सर के नीचे रख रहा था मैं। अब सो जा। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मुझे और अपनी मां को नहीं, वो इस वक्त तुम्हारे बारे में ही सोच रही होगी, मुझे यकीन है। ये ट्रक रुकते ही हमें पता करना होगा कि हम कहां हैं। मुझे सैलेंटो जाने का रास्ता ढूंढना होगा। कहां? सैलेंटो, एक डिपार्टमेंट में। मुझे वहां गोल्डन पीक नाम से कुछ ढूंढना है, उसका मिलना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ये गोल्डन पीक क्या है? मैं खुद नहीं जानता, रेस्टोरेंट है या कुछ और। और तुम्हें वहां पर क्या काम है? किसी को ढूंढ रहा हूं, मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान। तुम अकेली नहीं हो मिकेला, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके पेपर्स प्लीज दिखाइए, मैं इस पर साइन कर देता हूं। ओके। मेरे पास हैरिसन के कातिल का पूरा डेटा है। उसका नाम मिकेला है, वो 17 साल की है और एस्परेंजा गोमेज की बेटी है, जो कि इस वक्त ब्लेस्ट जेल में बंद है। हॉस्टन, तुम जानते हो कितने सालों से जेल में बंद है और उसका कसूर क्या था? हाँ मुझे पता है,
उस पर बच्ची के बाप के खून का इल्जाम है और वो 10 सालों से जेल में बंद है और अभी भी उसकी सजा 15 साल बाकी है। अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा कम हुई थी, लेकिन उसने जेल से भागने की कोशिश की, इसी जुर्म में उसकी सजा और बढ़ा दी गई। तुम कहां से शुरुआत करोगे? तुम्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से हम हैरिसन के असली कातिल को ढूंढ सकते हैं? जी, मैं एक अंडरकवर ऑपरेशन करना चाहता हूं, एनजीओ प्रतिनिधि बनकर, और मेरे साथ मेरे लोग बैकअप में रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग आपस में जरूर बात करते होंगे। अगर हम एस्परेंजा को टारगेट करें तो हैरी के उस कातिल लड़के तक पहुंच सकते हैं। ऑस्टन, ये तो बहुत ही बढ़िया अंडरकवर ऑपरेशन होगा और मैं तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करूंगा। मुझे इस केस में बस रिजल्ट्स चाहिए। हैरिसन के असली कातिल को पकड़ो, तुम ये कर सकते हो। शुक्रिया सर। काम शुरू करो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। चलो चलते हैं, आ जाओ। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें भूख लगी है? हाँ हाँ। कुछ खाने के लिए ले आओ, ये लो। सिर्फ इतने ही? हाँ बस यही है, जाओ। सर। हाँ बोलिए। ये रास्ता ही बैगू की तरफ जाता है क्या? हाँ ये जाता है। यहाँ से सेलेंटो पास के लिए कोई बस जाती है क्या? हाँ दिन भर में कुछ बस जाती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। फिर तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये फ्रेंच फ्राइज कितने के हैं? 5,000 की। 5,000? मुझे 3 दे दो। ये लो। सर अपने पेपर्स दिखाइए। सर आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स प्लीज। सर आपसे कह रहा हूं मैं, अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए प्लीज। आई एम सॉरी, अभी इस वक्त डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। वो कार में रह गए जहां मैंने पार्क किया। तो चलिए हमारे साथ। अरे तुम्हारी वजह से मेरी कार में स्क्रैच आ गई। अरे क्या हो रहा है यहां पर? पुलिस हो जाओ, पुलिस। देखिए ऑफिसर इन्होंने क्या किया, मेरी गाड़ी पर स्क्रैच आ गई है। आपसे कहा कि मुझे आपके पेपर्स और आईडी कार्ड देखने हैं। आपके सामने है सब कुछ, ये देखिए। क्या कर रहे हो? जल्दी दिखाइए। लेकिन क्यों? हकबार पास निकालिए। ठीक है पेपर्स भी दिखाइए। पक्का वो जुलियन ही था जिसने फोन किया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया उसने फोन काट दिया था। नहीं, वो पक्का मेरे कजिन का फोन होगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो मुझे कभी कभार इस नंबर पर फोन करता अच्छा? है। हाँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, उसने 2 दिन पहले ही फोन किया था।
देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम ये याद रखना कि जब भी वो फोन करे तुम उसे जरूर उठाना। मुझे पता भी नहीं मेरी बेटी कहाँ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों साथ में ही है। सुनना, मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है। तुम और तुम्हारे ये वहम, देख अब ये सब बस कर। मुझे बता तू बीमार होना चाहती है क्या? तू पागल हो गई है, बाहर आओ। अरे यार फिर से, मैंने अभी तक अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया है और अब तुम आकर मुझसे ये कहोगी कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। मुझे तो सजा मिली है ना। बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। कौन मिलने आया है? कौन आया है? शायद कोई एनजीओ से आया है, दरवाजा खोलो। कौन सा एनजीओ? हे क्या तुम मेरा काम कर सकती हो? आ जाओ आ जाओ, मेरी मेरी बात तो सुनो। चलो अंदर। यह है मिसेज एस्परेंजा गोमेज। आपसे मिलकर खुशी हुई एस्परेंजा, आप बैठिए ना प्लीज। देखिए मेरा नाम है माइकल ब्रैडलिन और मेरी रिकंस्ट्रक्टिंग नाम की एक एनजीओ है जो आप जैसी औरतों के हक के लिए लड़ती है, और रिकॉर्ड के मुताबिक ओके ये साफ है कि आपने अपने पति को, अपनी बेटी को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए मारा और आपको 21 सालों की सजा हुई है। हमें लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। बताओ इन्हें कि उस वक्त वकील को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मुझे सजा हुई। इसमें यह भी लिखा है कि आपके अच्छे व्यवहार की वजह से आपकी सजा कम हो गई थी, पर आपके भागने की कोशिश की वजह से वो रद्द कर दी गई। क्या यह सच है? हाँ सच है। मेरे पास एक अच्छी खबर है। हम फिर से इस केस के लिए अपील करेंगे। अच्छा, वो कैसे? बहुत आसान है, ये दिखाएंगे कि आपने ऐसा अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। वहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं था और मैं इतने सालों से यही बात इनको बता रही हूँ कि यह सच है, मगर साबित नहीं कर पाई हूँ। मेरी बात सुनिए सर, और ध्यान से सुनिएगा, मैं झूठी उम्मीदों पे नहीं जीती। नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि आपको कोई भी झूठी उम्मीद दूं। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी बेटी घटनास्थल पर मौजूद थी और अगर हमें उसकी स्टेटमेंट मिल जाए तो। नहीं, मैं समझ सकता हूं, पर मैंने कहा नहीं। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्लीज बताइए। जब से मैं इस जेल में आई हूं, ना मैंने अपनी बेटी को देखा है ना उससे बात की है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी बेटी से 11 साल से बात तक नहीं की? 11 साल? जी हाँ। अब ऐसा कीजिए सर, किसी और कैदी को ढूंढिए और उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो। से भाग क्यों रहे हो? आखिर क्यों भाग रहे हो तुम? चलो।
अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो, और एंजेलिना ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचना बंद कर दो प्लीज। मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? कोई नहीं, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। देखो रमीरेज यहाँ का इंचार्ज है, वो तुम्हें काम बता देगा और तुम शुरू कर देना। रिकार्डो, मुझे नौकरी के लिए सिफारिश नहीं चाहिए, ये सही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी यहाँ जान पहचान है और बस इतनी सी बात है। और देखो मैं ये जानता हूँ कि तुम जिम्मेदारी से काम करोगी, तो फिर इसमें परेशानी क्या है? मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुम्हें मौका दे रहा हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम काम की तैयारी करो। पर मुझे सामी के लिए बेबी सिटर भी तो ढूंढनी है। बेबी सिटर, ठीक है वो मैं देख लूंगा, अब कोई अगर मगर नहीं। ओके प्लीज, बेबी सिटर को ढूंढने की अब सारी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। एक मिनट, ये ऑफिस वाले कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। उनके ऑफिस का फोन नंबर मुझे फॉरवर्ड करो। लोरीना मेरे केबिन में आना प्लीज। मैं अभी आती हूँ सर। जी सर, एक्सक्यूज मी। लोरीना, ये मिसेस मरियाना है, हमारे साथ काम शुरू करने वाली हैं। सुनो तुम इन्हें इनका डिपार्टमेंट दिखा दो जहाँ इन्हें काम करना है, सब समझा देना। ठीक है सर, आप प्लीज आइए। ओके, मैं बाद में मिलती हूँ। गुड लक, संभल कर हाँ, अगर तुम्हारे जॉब की शुरुआत हो ही गई। हेलो, वो औरत ना अंदर गई है ना बाहर आई है, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग के बाहर खड़े रहकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जूलियन सामने आ गया तो हम सब लोग फंस जाएंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो दोनों आपस में बात जरूर करेंगे, मेरा यकीन करो। क्या टेलीपैथी के जरिए? बात करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को खत लिख सकते हैं। पैट्रिका जूलियन से जरूर मिलेगी, उस पर नजर रखना। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं बताता हूं। हम पहले मिल चुके हैं? जी जी मैम, मेरे ख्याल से उस कंपनी के इवेंट में जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ आई थी। आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। लगते थे, अब हम अलग हो चुके हैं। समझ सकती हूँ, यह आसान नहीं है किसी का भी इतने वक्त तक इंतजार करना, और वो भी जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हुए। मैं आपसे एक बात कहूँ मैम, मुझे नहीं लगता है कि सच में जूलियन ने वो खून किया होगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं, क्योंकि जूलियन एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान था। हम सब उसकी बहुत तारीफ करते थे, तो वो बॉस की बीवी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसे कैसे मार सकता है, मुझे यकीन नहीं है। और मैंने जो भी कहा वो आपको भी लगता है ना? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बता चुका हूँ, हमें मेन रोड से दूर रहना होगा। देखते हैं ये रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं। पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? बार बार एक ही सवाल पूछकर परेशान मत करो। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दो। जूलियन। जूलियन। क्या उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता? वो तो ऐसा ही कह रही है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं। क्यों? पता नहीं, पर मेरा शक कभी भी गलत नहीं होता, और मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, तो मुझे उससे बार बार मिलना होगा। ठीक है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? हाँ वो आदमी मिस्टर क्या नाम है उसका? माइकल। हाँ वो माइकल, जैसे कि खुद भगवान ने उसे भेजा हो, है ना? शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। हाँ काश कि ऐसा हो सकता। सुनो मैरीबेल, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है,
जूलियन के भागने के बाद और भी नहीं, खासकर मेरी बेटी की आंटी के साथ जो हुआ उसके बाद बिल्कुल नहीं। वैसे तो वो अच्छा आदमी लग रहा था, मगर किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। क्या तुम बताओगे कि इसका क्या मतलब है? अगर इस पर कुछ इनाम रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना? नहीं, पूरी तहकीकात की धज्जियां उड़ गई हैं। वो लड़की ऐसी जगह छुप जाएगी जहां उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अगर उसे पता चल गया कि उसकी तस्वीरें न्यूज में दिखाई जा रही है और उसके नाम पर इनाम है। स्टीव, इस पर इनाम की घोषणा कर दो, वही बेहतर होगा, फिर पूरा देश इसे ढूंढने में। ऐसे हमें वो कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। स्टीव, मुझे रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। हमारे भी कुछ कायदे कानून है। अब कहां जा रहे हो तुम? अपना काम करने। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, न्यूज में उस लड़की की फोटो देखकर वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, सही है ना? हाँ, और सभी लोग उसकी खोज में निकल जाएंगे। अरे तुम्हारा सिर तप रहा है बेवकूफ, तुम बस अब यही सोचो कि इससे पहले वो पुलिस या हमारे ही आदमियों को मिले हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो समझो हम मरे, समझे? देखो मेरी तरफ देखो, अब से हम ऐसा करते हैं कि पूरे दिन में जो भी कॉल सेंट्रल में आएगी हम उस हर कॉल को टैप करेंगे, समझे? ठीक है? ओके, हम उन्हें अपने कंप्यूटर्स के साथ जोड़ लेंगे और हर कॉल पर नजर रखेंगे। मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो, कोई भी कॉल जिसमें उसका जिक्र हो शायद हमें उस तक ले जाए, समझ गए ना तुम मेरी बात? समझ गए? ओके, वेरी गुड, मैं काम शुरू करता हूँ। ओके, पता नहीं उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या पता, शायद ये उसकी कोई चाल भी हो जूलियन को ढूंढने के लिए, और इसलिए वो तुमसे मिलने आया होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा पागलपन मत करो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जूलियन को पकड़वाने के बजाय मुझे पागल होना मंजूर है। गॉड, हो सकता है कि मेरी बेटी जूलियन के साथ ही हो। बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है, ऐसा हुआ तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। ओ जरा धीरे। हाँ, जूलियन अब तुम्हारा क्या प्लान है? हम चलते रहेंगे बस। अच्छा, अब नया कारनामा क्या करोगे? प्लान ने काम किया ना, बोलो। हाँ काम किया, अब मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे जरा बताना चाहोगे? पता कर लूं हम कहाँ हैं फिर बताता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि इबैग यहाँ से कितनी दूर है? कोई 9 किलोमीटर होगा। 9 किलोमीटर, इसका मतलब 1.5-2 घंटे और चलना होगा। अगर तेजी से चले तो 1.5-2 घंटे। वैसे मैं अपने खच्चरों के साथ उस तरफ ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम पुलिस की बात सुनकर आंखें चुरा रहे हो, सही कहा ना? बता चुका हूँ बात करने का समय नहीं है। तो कब होगा? कितने लोगों की जान ली है तुमने? बताओ ना। आज से तुम्हारी पोजीशन होगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि मेरा राइट हैंड होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे एरिया मैनेजर्स की मदद नहीं ले सकती। बैठिए ना प्लीज, मैं समझाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो फाइल है, इस फाइल में आपको हमारे सभी क्लाइंट के इनवॉइसेस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है? उसे तुम्हें सिस्टम में अपलोड करना होगा, और अगर तुम्हें कोई भी कानूनी और टैक्स संबंधी किसी भी इनवॉइस में जरा सा भी फर्क दिखता है तो तुम उनसे मदद के लिए पूछ सकती हो। और इस हफ्ते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत खास है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ होने वाली है, भूलना मत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से पता होगा, है कि नहीं? मैं जल्दी सीख लूंगी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैरियाना। वो मुझे कई बार कॉल कर चुका था, पर मैंने हमेशा उसे कहा कि तुम मुझे ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं सच में बहुत बिजी थी। फिर उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैं 7 बजे घर से निकली तो वो मेरा बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था, पर मैंने ये दिखाया कि मैंने उसे देखा ही नहीं, और मैं बस में चढ़ गई।
जूलियन, मैं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? एक घंटे में पुल के नीचे नेशनल पार्क में मुझे आके मिलो। सी यू। चलना होगा ये हमें। छोड़ो कि रास्ता कितना दूर है, अगर तुम थक गई हो तो मेरे खच्चरों पर बैठ सकती हो। नहीं शुक्रिया। ये लड़की तो बड़ी गुस्से वाली है। हाँ थोड़ी सी है। तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? ओ, मुझे परेशान मत करो, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या जानना चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे उस जुर्म के लिए सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं। शायद ऐसा होगा कि पहले तुम अच्छे और कानून मानने वाले इंसान का दिखावा कर रहे थे। मुझे जानती हो ना अपनी माँ के बारे में। तो तुम्हारे हिसाब से उस औरत ने मेरे पापा को नहीं मारा? तुमने भी जरूर कोई बड़ा जुर्म किया होगा ना? अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? जरूरत है मेरी और कुछ नहीं। मुझे भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे मार ही दिया था, और अब मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊँ या नदी में छलांग लगा दूँ। और अब क्या? अभी? हाँ अभी। वैसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम ऐसी हो निकेला कि तुम लोगों का इस्तेमाल करो और उन्हें फेंक दो? अच्छा ठीक है, मुझे वो डायरी दो और तुम अपने रास्ते जाओ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं इस डायरी को संभाल कर रखूंगा, मुझे दो वापस। नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास नहीं है। अब ये मत कहना कि डायरी खो दी तुमने। खोई नहीं, मैंने वो फेंक दी थी। क्या मिकेला, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्योंकि मुझे उस औरत से कुछ नहीं चाहिए, समझ गए? तुम उसकी बेटी कहलाने का लायक नहीं हो मिकेला।
सरप्राइज डिलीवरीज कहाँ है और परचेज ऑर्डर्स भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं इस सिस्टम में। अच्छा अच्छा रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। ये वाली चाहिए थी ना? हाँ, जरा दिखाओ। हाँ यही है। सुनो, इस काम को जल्दी से खत्म कर दो, ठीक है? ठीक है सर, चलता हूँ। आप ठीक तो है मिसेस मारियाना? देखो, मुझे मिसेस मारियाना मत कहो, प्लीज बैठो ना। आई एम सॉरी, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। लोरेना, मुझे लगता है ये मेरे बस का काम नहीं। क्यों, क्या हुआ? कौन सा काम आपके बस का नहीं है? सॉफ्टवेयर? अब देखो ना लोरेना, जब भी सर मुझसे इसके बारे में बात करते लगता है जैसे चाइनीज बोल रहे हैं। Come on. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, और अगर छोड़ दी तो रिकार्डो भी निराश हो जाएगा। रिकार्डो, वो मुझे पता है, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने आपकी काफी मदद की होगी जब से आपके हस्बैंड के साथ वो सब हुआ। वो मेरे लिए भाई की तरह है। जब जुलियन वाला हादसा हुआ तब वही मेरा सहारा था। हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे इंसान थे और हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों के लिए मैंने कई बार रेस्टोरेंट की रिजर्वेशंस भी करवाई हैं, वो उन्हें बहुत पसंद था। और मारियाना, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मिलकर ये सब संभाल रहे हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं उसे बता नहीं सकती कि मुझसे नहीं हो रहा और मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। रुको, ये इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक सही टीचर नहीं मिला। ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें हर एक प्रोग्राम सिखा दूंगी, ये बहुत ही आसान है। और फिर तुम देखना कि उस पागल रामिरेस का मुंह कैसे बंद हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, समझ गई? हाँ, वैसे वो थोड़ा पागल हाँ, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत दो। शुक्रिया। तो क्या ये सब कुछ लिख देगी तुम्हारी जिंदगी की ये कहानी? कभी छपेगी भी या नहीं? तुमसे मतलब? मेरी प्यारी मिकेला, ये मिकेला कौन है? मेरी डायरी दो। मिकेला, तुम्हें याद है कि मुझे यहाँ बिना गुनाह के बंद कर दिया गया है? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी नाइंसाफी हुई है? ये देखो, राजकुमार आ गया, मेंढक राजकुमार। ये डायरी से वापस करो। आ जाओ मैदान में। डायरी वापस करो। अच्छा, अगर ना दूं तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम? ये सब क्या हो रहा है? भूखा होना चाहते हो क्या? चलो जाकर अपना काम करो। और प्लम्बर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? मैं पास में काम कर रहा हूँ। देखो, चाहे जो भी हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। जाओ जाकर अपना काम करो। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। सुना नहीं, निकलो यहाँ से। मैं आप लोगों का साथ यहीं तक दे सकता था। ठीक है, शुक्रिया सर। ये रास्ता आपको मेन रोड तक पहुंचा देगा। धन्यवाद। शुक्रिया। सुनो, ये तुम्हारी ट्रिप के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम अभी तक गई नहीं? मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ। We'll be right back.
रिकार्डो, हम दोनों को बात करनी होगी। लोरीना प्लीज, ये वक्त नहीं उस बारे में बात करने का। मेरा हाथ छोड़ो, आसपास के लोग दिख रहे हैं। पर हाथ छोड़ो प्लीज। पर रिकार्डो, कितने हफ्ते हो गए हमने बात नहीं हम की। इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारी पत्नी की मौत के बाद मैं तुमसे दूर रही, पर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो, क्या चल रहा है? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया है। रिकार्डो, मैं समझ सकती हूँ कि दोस्त का धोखा सहन करना बहुत मुश्किल है। भरने में वक्त लगता है। सब कुछ रातों रात पहले की तरह नहीं बन सकता है लोरीना, और जरा मरियाना के बारे में तो सोचो। उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसने अभी अभी आगे बढ़ने की शुरुआत ही की है लोरीना। हाँ, उसने मुझे बताया कि ये सब कितना मुश्किल है। क्या बताया उसने? पहले मुझे लगा था कि वो बहुत चालू है, पर नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हारी शुक्रगुजार है वो। मैंने वही किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें एक भाई की तरह मानती है। पर तुम्हारी आंखों में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। चुप करो। क्या कहा? क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है लोरीना। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है रिकार्डो? गुड बाय लोरीना। जूलियन रुको, मुझे आराम करना है। अगर मैंने आराम नहीं किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। हम ही बैग पहुंचने ही वाले हैं। पर कोई जगह तो होगी जहां हम ताजी हवा महसूस कर सकें। तुम बस चलते रहो निकला। बहुत बढ़िया निकला। हे, वो देखो। क्या? हम पहले ही बहुत खतरा ले चुके हैं। अगर और चलते रहे तो और बुरा होगा, तो अंदर चलकर आराम कर लेते हैं। ठीक है, अंदर चलते हैं। हम सोडा पिएंगे और चलना शुरू कर देंगे। आने के लिए शुक्रिया लेफ्टिनेंट। दरअसल मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे हम जूलियन का केस रीओपन कर सकते हैं। हाँ बताओ, सुन रहा हूँ। याद है जूलियन ने गवाह का जिक्र किया था? मैंने उसे बोर्डिंग हाउस में ढूंढा जहाँ वो रहा करती थी, और ये आदमी भी उसका पीछा कर रहा था। मुझे यकीन है ये वही है जिसने मेरे घर में स्पाई माइक्रोफोन लगाया। तुम्हें वो सब कैसे पता? क्योंकि मैंने इसका पीछा किया और ये फोटोज खींची। मैं चाहती हूँ आप मुझे वो आइडेंटिटी किट दें जो जूलियन ने कोर्ट में स्टेटमेंट के दौरान पेश की थी। वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उस केस की जो बंद हो चुका है, ये नहीं हो सकता। पर दोबारा खुल तो सकता है अगर मैं ये साबित कर दूं कि उन्होंने बेगुनाह को सजा दी। देखिए लेफ्टिनेंट, मैं आपसे ये सब करने के लिए कभी नहीं कहती। अगर मुझे ये सब ना पता होता, मुझे यकीन नहीं होता और मेरे पास ये सबूत ना होते तो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर जब तक मैं इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं, तुम एंट्रेंस डोर लॉक्स को चेंज कर दो। अगर वहां सेफ्टी सर्किट ऐड कर सको तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आदमी अगर एक बार माइक्रोफोन लगा सकता है तो दोबारा भी कर सकता है, शायद तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दे। शुक्रिया लेफ्टिनेंट। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूं। नहाने जा रही हूं, यही तय हुआ था ना? मैं तुम्हें यही मिलूंगा मिकेला, जल्दी वापस आना। Thank you.
क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? नहीं, ये काफी है। सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ। क्या इनाम के बारे में तुमने कुछ सोचा? नहीं, क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा था कि यंगस्टर सोशल नेटवर्क्स के पीछे पागल होते हैं, पर इसका तो ना ही कोई ईमेल एड्रेस है और ना ही कोई बैंक अकाउंट। अजीब बात है, यंगस्टर्स तो पूरा वक्त फोटोज अपलोड करते रहते हैं और ईमेल्स लिखते रहते और हैं। हाँ, पर वो नहीं, क्योंकि मिकेला जराते नाम की कोई लड़की है ही नहीं। उन्होंने तुम्हें स्कूल में क्या बताया? यही कि उसने 2 महीनों से क्लासेस नहीं लगाई हैं। स्कूल में मुश्किल से ही कोई उसका नाम जानता है और सब उसे पागल समझते हैं। तो इसका मतलब है बस 2 ही लोग जानते हैं? हाँ हाँ, बस वही 2, जिनमें से एक है उसकी माँ। पर वो हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये समझ लो कि हम लोग गए हैं। तो हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उनमें से कोई फोन ना करे। हाँ, क्या बैग में ऐसा कुछ है जिससे कुछ मदद मिल सके? डॉलर्स। बहुत बढ़िया, डॉलर्स का हम क्या करेंगे? हम उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं, वो मार्क्ड होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे ही वो डॉलर्स खर्च करने शुरू करेगी हमें पता चल जाएगा। ठीक है जॉनी। सुनिए, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? ठीक है। सुनो, मुझे तो बियर देना जल्दी। तो क्या आप आइसक्रीम लेंगी या फ्रूट सैलेड? यहाँ रख दूँ? ठीक है, अभी लाया। मैं तो यहाँ तुम्हें बस ड्रिंक के लिए पूछने आया था, कुछ और चाहिए तो ले लो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे बेवकूफ मत समझो। कहाँ से आ रही हो, इतने गुस्से में क्यों हो? दूर से। अकेली आई हो या फैमिली के साथ आई हो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ओ, तो बॉयफ्रेंड भी है? दिल तोड़ दिया मेरा। क्या मैं एक बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? हाँ, 1 या 100 बना सकती हो, पर मेरे अलावा तुम जितने चाहिए उतने बना सकती हो। पर अच्छा होता अगर तुम अकेली आई होती। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हेलो स्प्रेंजा, बात कर सकती हो ना? जूलियन, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जूलियन, कैसे कैसे हो तुम? मेरी बेटी कैसी है जूलियन? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में हजारों सवाल चल रहे हैं, पर हम अभी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं कितना तरस गया था। मैं खुशी से कहीं पागल ना हो जाऊं, कब से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि तुमसे बात हुई। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी कैसी है? तुम्हें वो कहाँ मिली? वो बिल्कुल ठीक है स्प्रिंजा, वो मेरे साथ है। हम छुपते फिर रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है ना सब कुछ। देखो क्या होता है, हम सेलेंथो जा रहे हैं गवाह ढूंढने के लिए। पर ये तो अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही आजाद हो जाओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी ही सड़कों पर बिना किसी डर के घूमोगे। तुम मेरी बात सुनो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, फिर हम साथ रहेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। स्प्रिंजा? हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ जूलियन। है जरा सुनो। बोलो क्या बात है?
मेरा नाम मिकेला है और तुम्हारा? मेरा नाम कार्लोस है, पर लड़कियां मुझे ब्रैड पिट समझती हैं। मुझे कबेटो बुलाती हैं। कबेटो? हाँ, कबेटो। कबेटो क्या? तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, तुम देख नहीं रही? क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक बार पूछ कर तो देखो। मुझे एक ड्रिंक पिलाओगे? नहीं, मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ। अब तुम ऐसा करोगे, दे सकते हो तो दो। ठीक है, मैं दे दूंगा क्योंकि तुम खूबसूरत हो। फ्रूट जूस के साथ? तो इसके पैसे तो मिलेंगे ना? इसके पैसे मत मांगो। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। और कुछ? बाद में देखेंगे। ओह, क्या बात है। सुन, अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मेरे वहां से आने के बाद सीरे ने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, तुम फिक्र मत करो, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और वो भी हमेशा के लिए। मैंने डायरेक्टर को बता दिया कि सीरा का भी हमारे भागने में हाथ था, और ये बात भी बता दी कि शैडो को मारने में भी उसका ही हाथ था। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ एस्परेंज़ा, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं तुमसे मिली, क्योंकि यहाँ बस तुम ही मेरी उम्मीद हो। अच्छा बताओ ना, मेरी बेटी कैसी है, तुम्हें कैसे मिली वो? बस समझ लो कि सरकार ने मिकेला जराटे के लिए $1,00,000 का इनाम घोषित किया है, जो कि DEA एजेंट टॉम हैरिसन के कातिल है। जिसे भी उसके बारे में कुछ पता चले वो तुरंत हमें खबर दे। इस लड़की की हाइट 5'8" है, रंग सांवला है और इसकी आंखें काली हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार हेलो हेलो घूमते हुए देखा गया है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मिकेला बिल्कुल ही ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा तुरंत। ये लो तुम्हारी ड्रिंक। मैंने ये तो नहीं मंगवाया था। मेरे पास तो अब खत्म हो गई है, पर फिक्र मत करो, वो और बना रहे हैं। अच्छा सुनो, बस एक सेकेंड और रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। I love you very much, Julia. मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम ठीक हो। I love you a lot too, Esparza. पर सेलेंटो जाने वाली बस निकलने वाली है, इसलिए हमें निकलना होगा यहाँ से, प्लीज। क्या तुम्हारे पास और कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है? जैसे क्या? जैसे विस्की? अच्छा एक आखिरी सवाल, क्या मेरी बेटी ने वो डायरी पढ़ी? खैर ये मामला थोड़ा उलझ गया है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ सुलझाने की। मैं तुम्हें जल्दी फोन करूंगा। आई लव यू, आई लव यू। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जूलियन, बहुत ज्यादा। तुम मेरी जिंदगी हो, अपना ध्यान रखना जूलियन। मेरी बेटी से ये कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। खैर मुझे नहीं पता, शायद कोई बियर या ऐसी ही कोई चीज। हाँ सही कह रही हो। हाँ वैसे मैं एक सेकंड, मुझे जरा कुछ बात करनी है, प्लीज। हमें यहाँ से जाना होगा। ओ नहीं, मैं अभी पूल में उतरी थी। मेरी बात सुनो मिकेला, मिकेला, मिकेला। मैंने अभी भी न्यूज़ सुनी है कि पुलिस ने तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा है। चलो यहाँ से, चलो। अरे अरे, ऐसे कहाँ जा रहे हो? अरे एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। जरा रुको,